अरे दोस्तों, जीपीएस आज हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आज कहीं भी घूमने जाए तो जीपीएस हमारा बहुत साथ निभाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीपीएस क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स के अंडर में 1973 में लॉन्च हुआ था और इसका ऑफिशियल नाम है नव स्टार जीपीएस, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का पहला सैटेलाइट 1978 में लॉन्च हुआ था और 1995 में लास्ट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के साथ ये पूरी तरह से वर्क करने लगा। तो दोस्तों, वैसे तो ये 1980 में ही सिविलियन यूज के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम इसकी काफी लिमिटेशंस थी। उसके बाद सन 2000 में इसे पूरी तरह से सिविलियन यूज के लिए ओपन कर दिया गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप चाहे तो इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। हम एक पेपर पर एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं R1 और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं P। अब मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कोई पूछेगा कि P कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि P R1 से 5 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन R1 से 5 सेंटीमीटर दूर तो बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। दरअसल ये एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर होगा R1। तो आप एक और पॉइंट लोगे R2, जो कि P से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो अब आप बताओगे कि P जो है R1 से 5 सेंटीमीटर और R2 से 7 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन क्या यह सही है? क्योंकि अभी भी दो पॉइंट बनेंगे और ये दोनों पॉइंट होंगे इन दोनों सर्किल के क्रॉसिंग पॉइंट पे। तो गाइज, इसके लिए आप लास्ट में एक और तीसरा पॉइंट लोगे R3। तो अब आप P की बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकते हो। तो दोस्तों, ठीक ऐसे ही GPS वर्क करता है। GPS रिसीवर 3 सैटेलाइट से मिले सिग्नल के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन ये लोकेशन जो है वो सैटेलाइट से डिस्टेंस के फॉर्म में होती है, जिसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर जो GPS डिवाइस है वो इन तीनों डिस्टेंस की मदद से आपकी लोकेशन लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में निकालता है। इन सैटेलाइट्स के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होती है, जो कि इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है कि 3 करोड़ सालों बाद भी इसमें केवल 1 सेकंड का एरर आता है। अब ये जो सैटेलाइट हमेशा एक फिक्स पाथ पर ही चलते हैं, मतलब कि इसकी लोकेशन में कभी कोई एरर नहीं होता। अब ये सैटेलाइट लगातार सिग्नल स्प्रेड करते रहते हैं, जिसमें उस सैटेलाइट का टाइम और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो दोस्तों, अब ये जो जीपीएस डिवाइस है उसमें भी एक क्लॉक होती है। ये क्लॉक किसी भी एक सैटेलाइट से आए हुए सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैच कर लेती है। फिर जब भी कोई सैटेलाइट से सिग्नल मिलता है तो वो इसे कैप्चर करती है और इस सिग्नल से ये पता लगाती है कि सैटेलाइट से आया हुआ सिग्नल यहाँ कितनी देर में पहुंचा है, और इसी टाइम के आधार पर हम डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि सिग्नल की स्पीड हमें पता है, जो कि होती है लाइट की स्पीड के बराबर। तो दोस्तों, अब हमें 3 सैटेलाइट से डिस्टेंस मिल चुकी है और जीपीएस डिवाइस इन्हीं के हिसाब से अपनी लोकेशन पता करता है। तो दोस्तों, जीपीएस के लिए अमेरिका ने अब तक टोटल 72 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इनमें से 33 सैटेलाइट अभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है वो एक दिन में अर्थ के 2 चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जीपीएस जो है वो अमेरिका का प्रोग्राम है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन के भी अपने प्रोग्राम है। तो दोस्तों, कारगिल वार के समय अमेरिका ने भारत को जीपीएस की जानकारी देने से मना कर दिया था, इसी कारण भारत ने भी अपना जीपीएस प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका नाम है IRNSS या फिर नाविक। तो दोस्तों, इसके टोटल 7 सैटेलाइट है और इसका लास्ट सैटेलाइट 12 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ था। अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, लेकिन इनके जो सैटेलाइट वो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्थिर रहेंगे, जिसके कारण इसका पूरी दुनिया में कवरेज तो नहीं मिलेगा, केवल भारत के आसपास के देशों में ही रहेगा, लेकिन इन एरियाज में इसकी एक्यूरेसी जीपीएस से ज्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, इसरो की इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरा चैनल देखिए, आपको कुछ अच्छा कंटेंट ज़रूर मिलेगा।